हेलो बच्चों, आज डिवीजन का टॉपिक ले रहे हैं और डिवीजन समझेंगे बहुत ही इजी तरीके से और चार मेथड की तरह से। फोर मेथड आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा? अब कैसे करेंगे आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मेथड आपको बता रही हूं, मेथड 1। 3 के टेबल में 21 कब आता है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का टेबल बोलना पड़ेगा। 3 के टेबल में 21 कब आता है? 3 1 3 ऐसे सो ऑन करके पढ़ेंगे तो 3 7 21 आता है, तो आंसर हो गया 7। सोच वाला मेथड है ये। कौन से वाला मेथड है? सोचने का मेथड है, सारी चीजें माइंड में होंगी। मेथड 2 देख लेते हैं बच्चों। मेथड 2 है बॉल मेथड, बॉल्स मेथड। बॉल्स मेथड क्या है, 21 बॉल्स बना लीजिए, 15 21 बॉल्स बना ली। अब क्या करना है आपको, 21 बॉल्स बना के 3 का पेयर बनाना है, डिवाइड करना है एक तरीके से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आइए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो आंसर मिल गया हमें 7। इससे भी आंसर सेम आ गया है, ठीक है। मेथड 3 देख लेते हैं जल्दी से। मेथड 3 है आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। क्या करना है इसमें, 21 डिवाइडेड बाय 3 है तो आप क्या करोगे, 21 माइनस 3, और आपको कैरी जब तक कैरी फॉरवर्ड करना है इसे, जब तक करते जाना है जब तक आपको आंसर जीरो ना मिल जाए। तो 21 माइनस 3 18, माइनस 3 15, माइनस 3 12, माइनस 3 9, माइनस 3 6, माइनस 3 3, माइनस 3 0, मिल गया हमें 0। अब 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आंसर इससे भी हमारा क्या आ रहा है, 7। इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं वर्टिकल फॉर्म में। आप इसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, वो करेंगे ऐसे। समझ आ रहा है बच्चों? एनी डाउट? वीडियो पसंद आए तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करना। 1 2 3 4 5 6 7 7 इज आंसर। ये है आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड होता है ये वाला, 21 अंदर रखेंगे, 3 या बाहर लिखेंगे। तो 3 के टेबल में 21 कब आता है, 7 3 21 आंसर आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, तो आंसर क्या हो गया आपका 7, और इसे बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? चार मेथड आपको डिवीजन के बता दिए। थैंक यू, एंड हिट द लाइक बटन।